Hello friends, welcome back to your channel. Today I am going to discuss about the Narsinghpur district. मध्य प्रदेश की जो सीरीज चल रही है इंग्लिश और हिंदी मीडियम में, उसको हम आगे बढ़ाते हुए आज नरसिंहपुर जिले के बारे में पढ़ने वाले हैं। आज हम जानेंगे कि नरसिंहपुर में कौन कौन से ऐसे प्रमुख तथ्य हैं या फैक्ट्स हैं या इन्फॉर्मेशन है जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है एमपीपीएससी के एग्जाम में और व्यापम और रासायनिक के सभी एग्जाम्स में। आइए जानते हैं नरसिंहपुर जिले के बारे में। यदि आपने पहले वीडियोस को नहीं देखा, पिछले सारे वीडियोस को, तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर के इन सारे वीडियोस को देख सकते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं नरसिंहपुर जिले के बारे में। नरसिंहपुर जिले में एक प्रकार का मेला लगता है, ये क्वेश्चन काफी पूछा जाता है। एमपी का एग्जाम होता है वो आर्ट एंड कल्चर से हमेशा प्रश्न पूछता है, तो उसमें एक सवाल ये भी आता है कि विच फेयर इज ऑर्गेनाइज्ड इन नरसिंहपुर। तो यहाँ पे बर्मन मेला यानी बर्मन का फेयर होता है, इस मेले का नाम है बर्मन फेयर, इसलिए नरसिंहपुर में बर्मन फेयर लगाया जाता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन एक और पूछा जा सकता है कि जो शुगर के प्रोडक्शन में, शक्कर के उत्पादन में कौन सा जिला सबसे आगे है, तो शक्कर के उत्पादन में सबसे आगे जिला है नरसिंहपुर। तो शुगर के प्रोडक्शन में पहला स्थान नरसिंहपुर रखता है। अब ये भी बात है कि जो नरसिंहपुर जिला है, ये नरसिंह देव एक टेंपल था, नरसिंह उनके नाम पर ये नरसिंहपुर रखा गया है। तो नरसिंह टेम्पल के नाम पर और इसको स्थापित किया गया है। इट वॉज एस्टेब्लिश बाय जाट सरदार और इन्हीं के इस टेम्पल के नाम पर इस जिले का नाम नरसिंहपुर रखा गया। यहाँ पे एक बहुत फेमस स्वतंत्रता सेनानी भी थी और कह सकते हैं काफी फेमस रानी है और ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इस जिले में रानी दुर्गावती का काफी ज्यादा एक रोल हमें दिखता है, तो एक अहम रोल हमें दिखता है रानी दुर्गावती जी का और ये इससे संबंधित है नरसिंहपुर जिले से। अब हम समझते हैं कि यहाँ की जनसंख्या क्या है, पॉपुलेशन क्या है। तो नरसिंहपुर की जो पॉपुलेशन है वो है 10,91,854। यहाँ पर सेक्स रेशियो की बात करें, लिंग अनुपात की बात करें, तो सबसे ज्यादा सेक्स रेशियो मैंने पहले बताया किस जिले का है, कमेंट करके बताएं, और सबसे कम किस जिले का सेक्स रेशियो वो भी कमेंट करें। तो जो सेक्स रेशियो है नरसिंहपुर का वो है 920। मैंने आपको अभी भी बताया कि इन शुगर प्रोडक्शन नरसिंहपुर अक्वायर्स द फर्स्ट पोजिशन, बट इट इज ऑल्सो फेमस फॉर सोयाबीन प्रोडक्शन। सोयाबीन के उत्पादन में भी बहुत अग्रणी जिला है। आपको पता है कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा जो फसल है, राजकीय फसल भी सोयाबीन है, और सबसे ज्यादा जो उत्पादन करता है सोयाबीन का वो मध्य प्रदेश है। जो क्षेत्रफल की बात करूं, एरिया की बात करूं, तो नरसिंहपुर एरिया इज 5,133 किलोमीटर स्क्वायर। ये भी माना जाता है कि जो ओशो है, महान ओशो, आपने नाम सुना होगा ओशो के, कई आप फिलोसफी पढ़ चुके होंगे, ओशो के कई बुक है, ये लाइफ को चेंज करने में काफी अहम रोल प्ले करते हैं। दे चेंज अ बिग पार्ट ऑफ रोल इन शेपिंग द लाइफ ऑफ पीपल्स एंड ओशो वॉज फ्रॉम वन डैट ओशो वॉज वन डैट पर्सन। तो जो ओशो से संबंधित स्थान भी है वो ये नरसिंहपुर है, और उसका एक प्लेस है जो काफी फेमस है ओशो संबंधित, उस प्लेस का नाम है श्रीधाम। जो नरसिंहपुर की लिटरेसी रेट है यानी साक्षरता दर है वो है 75.7%। नेक्स्ट, जो नरसिंहपुर जिला है, नरसिंहपुर जिला विंध्यांचल और सतपुड़ा की पहाड़ियों से घिरा हुआ है। अगर अभी हम जब ज्योग्राफी पढ़ेंगे मध्य प्रदेश का, व्हेन वी डिस्कस अबाउट द ज्योग्राफी ऑफ एमपी,
तो हम ये पाएंगे कि जो एमपी का मैप है, एमपी का मैप इस प्रकार से है, एमपी का जो मैप है वो ऐसा दिखता है। तो एमपी के मैप में हम जब आगे पढ़ेंगे तो यहां पर ये विंध्यांचल श्रेणी है और ये नीचे जो है ये सतपुड़ा श्रेणी है, सतपुड़ा रेंज है और बीच में नर्मदा रिफ्ट वैली है, नर्मदा घाटी है, नर्मदा बहती है इन दोनों के बीच में। और क्वेश्चन आ चुका है एमपीपीएससी के प्रीलिम्स में भी पूछा जा चुका है, नर्मदा फ्लोज बिटवीन द विच ऑफ द फॉलोइंग रेंजेस, नर्मदा फ्लोज बिटवीन द विंध्यांचल एंड सतपुड़ा रेंजेस। और ये जिला भी विंध्यांचल और सतपुड़ा की पहाड़ियों से घिरा हुआ है, इट इज सराउंडेड बाय विंध्यांचल एंड सतपुड़ा हिल्स। नेक्स्ट, गोंड किंग, जो गोंड के किंग थे संग्राम शाह, उन्होंने चौरागढ़, यहां पे एक किला है चौरागढ़ जो 15वीं शताब्दी में बनाया गया था और उसकी लोकेशन नरसिंहपुर है। नेक्स्ट, यहां पर दो घाटियां हैं, एक घाटी का नाम है ब्राह्मण घाटी और दूसरी घाटी का नाम है डमरू घाटी। दो घाटियां भी काफी फेमस अपने पर्यटन स्थल के लिए, अपने टूरिस्ट स्पॉट के लिए, उसकी लोकेशन भी नरसिंहपुर है। और ऐसा माना जाता है कि जो राजा बली थे, ऐसा नाम जो प्राचीन नाम था राजा बली, उनका जन्म स्थान या नरसिंहपुर से संबंधित थे, तो राजा बली का प्लेस भी। एक और बात आती है अरहर के उत्पादन में, अरहर एक प्रकार की किस्म है दाल की, अरहर के प्रोडक्शन में और ये गादरवार पल्स है इसमें भी सबसे फर्स्ट नंबर नरसिंहपुर डिस्ट्रिक्ट का है। यहां पे कई रिवर्स हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया है कि जो नरसिंहपुर है वो नर्मदा से है ही, तो नरसिंहपुर में नर्मदा तो बहती है, दूसरा है सीता रेवा, तीसरी है दूधी जो सहायक नदी है नर्मदा की, और शक्कर ये भी सहायक नदी है नर्मदा की। तो नर्मदा, सीता रेवा, दूधी, शक्कर, ये नदियां आपकी नरसिंहपुर जिले में बहती हैं। नरसिंहपुर 1994 में पहला जिला था जो हिंदी भाषी राज्यों में एक लिटरेट, पहला साक्षर जिला घोषित हुआ था 1994 में। हिंदी भाषी राज्यों में सबसे पहला लिटरेट डिस्ट्रिक्ट हिंदी भाषी राज्यों में नरसिंहपुर था। जो पॉपुलेशन डेंसिटी है, जनसंख्या घनत्व है, वो है 213। सो गाइस, दिस वाज द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द नरसिंहपुर डिस्ट्रिक्ट। वी आर कमिंग विथ एवरी डिस्ट्रिक्ट एंड विथ अ डिटेल्ड इंफॉर्मेशन, काइंडली नोट इट डाउन इन योर नोट्स एंड मेंटेन इट प्रॉपरली। इफ यू हैव नॉट वॉच द प्रीवियस वीडियोस, वॉच दैट। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, लाइक, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।